नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो इस वीडियो में देखना है रिलेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यूमेटिक एंड मैकेनिकल कंपैरेटर और उसके साथ डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड न्यूमेटिक कंपैरेटर भी देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बेसिकली कोई भी अगर आपको डिफरेंस या रिलेटिव एडवांटेज डिसएडवांटेज देखना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या, कि जिसमें आप डिफरेंस कर रहे हो या जिसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज नोट डाउन कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों की भी आपके सामने क्या चाहिए उसके डायग्राम्स चाहिए। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे मैंने डायल कंपैरेटर का मैंने यहाँ पे डायग्राम दिया है और उसके साथ यहाँ पे देख सकते हो साइड में आप एक न्यूमेटिक कंपैरेटर है। तो अगर आपको डिफरेंस राइट डाउन करना है तो आपको पहले उसका वर्किंग मालूम होना चाहिए कि उसका वर्किंग कैसे है। तो जैसे आपको डायल का पता है वर्किंग कैसा है, कि जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि डायल कंपैरेटर में क्या होता है कि यहाँ पे आपका मेन स्पिंडल है, यहाँ पे अंदर रैक होता है और जैसे आप यहाँ पे जॉब प्लेस करते हो तो क्या होता है, ये जो आपका स्पिंडल है ये ऊपर जाता है, ऊपर जाने की वजह से रैक का मूवमेंट होता है और उसके बाद वहाँ पे गियर का अरेंजमेंट रहता है और एक गियर पे क्या होता है आपका ये पॉइंटर अटैच होता है। मतलब यहाँ पे अंदर नंबर ऑफ गियर एंड पिनियन सेट है, ठीक है, ये आपका वर्किंग हुआ। इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या है, कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर कहाँ से रन होगा, इलेक्ट्रिसिटी से रन होगा, फिर वो कंप्रेस्ड एयर यहाँ से आगे जाएगी, यहाँ पे आपका ऑरिफिस रहता है, ऑरिफिस से एयर आगे जाके आपका जो मेजरिंग ऑरिफिस है यहाँ पे, यहाँ से वो आपके जॉब के सरफेस के ऊपर जाएगी, यहाँ से जो बैक प्रेशर जनरेट होगा वो क्या करेगा, आपका जो वाटर लेवल रहेगा यहाँ पे उसको क्या करेगा, वो नीचे या ऊपर जैसे आपका बैक प्रेशर जनरेट होगा वैसे वो उसको ऑपरेट करेगा। और यहाँ पे जो एच है, ये एच डायरेक्टली क्या होता है, कैलिब्रेट होता है इन टर्म्स ऑफ योर जॉब का जो डायमेंशन रहेगा, इनर डायमेंशन उसके हिसाब से रहता है। ये दोनों का ये शॉर्ट में वर्किंग है। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखने के लिए आपको उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये दोनों भी पता होना चाहिए। तो अभी अगर आपको डिफरेंस दोनों में निकालना है तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे दिखाया इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप अभी बता सकते हैं कि यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है क्या, कुछ नहीं, क्या होता है खाली यहाँ से जॉब रेस्ट होगा, ये स्पिंडल ऊपर नीचे होके ये ऑपरेट होगा, नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मैकेनिकल कंपैरेटर। सेम आप न्यूमेटिक में जाते हो तो आपको अगर कंप्रेसर रन करना है तो कंप्रेसर रन करने के लिए आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत लगता ही है, ठीक है। उसके बाद कनेक्ट विद कॉन्टैक्ट विद जॉब, कॉन्टैक्ट विद जॉब में क्या है कि ये जो आपका यहाँ पे जो रिमूवेबल कॉन्टैक्ट पॉइंट है आपके, ये यहाँ पे जॉब को क्या करना पड़ता है, रेस्ट करना पड़ता है, तभी जॉब क्या होता है, मेजरमेंट होता है। और यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हो न्यूमेटिक कंपैरेटर में यहाँ से आपके मेजरिंग ऑरिफिस से एयर जा रही है और यहाँ पे आपका सरफेस है, तो आपका ये जो बोलते हैं गेजिंग हेड, अभी ये गेजिंग हेड यहाँ पे आपके सरफेस को टच हो रहा है क्या, नहीं, तो नो कांटेक्ट, इसमें कांटेक्ट होता है, इसमें नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है मूविंग पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स आप बता सकते हैं कौन से इसमें मूविंग पार्ट्स ज़्यादा है, इसमें मूविंग पार्ट्स ज़्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ गियर एंड पिनियन सेट रहता है। सेम अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपका एक भी मूविंग पार्ट इसमें नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिफरेंस का कॉस्ट, एज़ कम्पेयर टू न्यूमेटिक कंपैरेटर, ये जो डायल कंपैरेटर है या मैकेनिकल कंपैरेटर, इनका कॉस्ट कम रहता है। इनका कॉस्ट क्यों ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें कंप्रेसर की कॉस्ट आ गई, फिर मेजरिंग टैंक की कॉस्ट आ गई, यहाँ पे फिल्टर की कॉस्ट आ गई, ऑरिफिस की कॉस्ट, एक गेजिंग हेड की कॉस्ट आ गई, तो इसकी वजह से क्या है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, ठीक है। एक ओवरऑल आइडिया आ गया, अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, उसमें आपको देखना है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैकेनिकल कंपैरेटर, मतलब आपको क्या, अभी आपके सामने डायल की डायग्राम सामने आपके आनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि एडवांटेजेस है डिसएडवांटेज, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने, चीपर है उसका कॉस्ट, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एज़ कम्पेयर टू न्यूमेटिक कंपैरेटर इसका कॉस्ट कम है। उसके बाद नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखते टाइम भी क्या करना है कि उसका ये जो मैंने चार पॉइंट बताए थे आपको डिफरेंस में, वही पॉइंट के हिसाब से आपको क्या करना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना है। नेक्स्ट है लीनियर स्केल, जैसे आपको मैंने बताया था पॉइंटर जैसे मूव करता है पूरे डायल के ऊपर, उसका जो स्केल है डायल का स्केल वो एकदम लीनियर है, रोबस्ट एंड कॉम्पैक्ट है, छोटा सा है,
इजी टू हैंडल है। मैंने जैसे डायल इंडिकेटर के स्लाइड वीडियो में भी बताया था कि आपको जो अनस्किल ऑपरेटर भी वो हैंडल कर सकता है, क्योंकि आपको क्या करना है उसके जो दो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है, मतलब जो कॉन्टैक्ट पॉइंट आपको क्या करना है उसको बता देना है कि अंदर का प्रेशर लीवर एक जगह पे होना चाहिए और ये दोनों के बीच में आना चाहिए। तो वो स्किल आप डायल इंडिकेटर का वीडियो देख के वो देख सकते हैं क्या है क्या नहीं। डिसएडवांटेज में है मोर मूविंग पार्ट्स है, जैसे मैंने बताया कि उसमें अंदर गियर और पिनियन सेट रहता है, फ्रिक्शन ज़्यादा है, मोर मूविंग पार्ट्स है तो क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा आपका। लेकिन उसके बाद है लेस एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी क्यों लेस है, क्योंकि मूविंग पार्ट ज़्यादा है इसलिए फ्रिक्शन ज़्यादा है, इसलिए आपका क्या होगा, एक्यूरेसी कम आएगा। उसके बाद है रेंज इज़ लिमिटेड, जितना आपका स्पिंडल ऊपर नीचे होगा उतना ही आपका रेंज रहेगा। उसके बाद पैरलैक्स एरर पॉसिबल है। पैरलैक्स एरर क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो आपका डायल है वो स्ट्रेट व्यू में नहीं, मतलब स्ट्रेट 90 डिग्री में नहीं देख रहे हो तो एक साइड से देख रहे हो तो उसको पैरलैक्स एरर कहते हैं। नेक्स्ट है सेंसिटिव टू वाइब्रेशन। क्यों वाइब्रेशन के लिए सेंसिटिव है, अगर आप किसी डायल कंपैरेटर से कुछ मेजरमेंट कर रहे हो और साइड में कुछ वाइब्रेशन है तो आपका जो पॉइंटर है वो मूव कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यूमेटिक कंपैरेटर। तो फर्स्ट आता है नो कॉन्टैक्ट विद जॉब, जो आपको वो आपका गेजिंग हेड टच नहीं करता है, मूविंग पार्ट्स उसमें नहीं है ज़्यादा, मैग्नीफिकेशन उसका बहुत ज़्यादा है न्यूमेटिक कंपैरेटर का। अभी मैग्नीफिकेशन क्यों ज़्यादा है, आपको जो ऑरिफिस है, ऑरिफिस और जो मेजरिंग गेजिंग हेड है उसमें जो मेजरिंग ऑरिफिस है उसका आप जितना रेशो मेंटेन करोगे उतना आपका मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होता है। इंस्ट्रूमेंट कैन बी टेक प्लेस्ड एट रिमोट प्लेस फ्रॉम जॉब, जैसे मैंने बताया कि इंस्ट्रूमेंट जो है आपका, मतलब कंप्रेसर, ऑरिफिस, मेजरिंग टैंक, ये एक जगह पर रख सकते हो आप, और खाली गेजिंग हेड आप एक जगह पर लेके जा सकते हो जहाँ पर आपको जॉब मेजर करना है। ठीक है, मोर एक्यूरेसी है इसका। ओवलिटी एंड टेपरनेस, ओवलिटी एंड टेपरनेस मैंने पहले भी बताया था आपको, फिर भी वापस एक बार बता देता हूँ ओवलिटी एंड टेपरनेस क्या होता है। आपका ओवलिटी एंड टेपरनेस, ओके। अब जैसे ओवलिटी मतलब क्या, कि कंसिडर करें आपका ये सर्कल है, ये परफेक्ट सर्कल आप बोल सकते हो उसको, अगर इसका डायमीटर चार जगह पे, ये आप चार पॉइंट लिए, इसका कंसिडर कर 100 mm है, यहाँ पे आपने डायमीटर ये अलॉन्ग दिस लिया तो इसका आपको कितना आया, 100 आया, और अलॉन्ग दिस एक्सिस लिया इसका भी कितना आया, 100 आया, तो आप इसको कंप्लीट राउंड बोल सकते हो या कंप्लीट परफेक्ट सर्कल बोल सकते हो। लेकिन वही अगर आपका सर्कल ऐसा है तो क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका, वो डायमीटर कंसिडर करो 105 है और ये एक्सिस पे मेजर किया आपने तो कितना आया, 95 आया। तो मतलब ये शेप कैसा है, ओवलिटी है। ये जो पैरामीटर है, मतलब किसी जॉब के जो ज्योमेट्रिकल फीचर रहते हैं, ओवलिटी आप न्यूमेटिक कंपैरेटर से चेक कर सकते हो, बाकी किसी से चेक नहीं कर सकते हो। सेम वैसे ही है टेपर का। टेपर मतलब क्या, कंसिडर करना पड़ेगा आप, या आपको एक सिलेंड्रिकल जॉब है, एक सिलेंड्रिकल जॉब है, इसका ये फ्रंट व्यू था, ये साइड व्यू है इसका। तो सिलेंड्रिकल टेपरनेस मतलब क्या, अभी मैंने यहाँ पे चेक किया तो मुझे जॉब का साइज़ आया 90 mm, फिर मैंने यहाँ पे मेजर किया तो वो आया 95 mm। मतलब कैसा ये जॉब कैसा हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे डायमीटर बढ़ा है और ये साइड जब जा रहे हैं आप तो ये क्या हो रहा है, छोटा छोटा, मतलब साइज़ उसका कम हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, टेपर कहते हैं। ये आप न्यूमेटिक कंपैरेटर से चेक कर सकते हो, बाकी किसी कंपैरेटर से नहीं चेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है नीड्स ऑक्सिलरी इक्विपमेंट। जैसे डायल इंडिकेटर में क्या था, आपको एक डायल लेना था और एक स्टैंड लेना था उसको माउंट करने के लिए। लेकिन न्यूमेटिक कंपैरेटर में क्या है, कंप्रेसर है, कंप्रेसर के बाद फिल्टर है, फिल्टर के बाद मेजरिंग टैंक है, फिर बाद में वापस गेजिंग हेड है, इतने सारे आपको क्या है, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स लगते हैं इसमें। स्केल इज़ नॉट यूनिफॉर्म, जैसे आपने देखा वो मेजरिंग टैंक का जो स्केल है जिसमें आपने वाटर रखा है उसका स्केल यूनिफॉर्म नहीं है, उसको क्या किया है, कैलिब्रेट किया है इन टर्म्स ऑफ एच, और उससे आप क्या कर सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो। नॉट पोर्टेबल, जैसे ये आपका डायल इंडिकेटर जो है ये पोर्टेबल है, आप इसको इजीली
मूव कर सकते हो, लेकिन ये जो एक्सेसरीज है पूरी, आप इसको इजीली मूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट गेजिंग हेड फॉर डिफरेंट वर्क पीसेस, जैसे कंसिडर कर लो मेरा अभी एक वर्क पीस था, ये मेरा वर्क पीस है, ये हॉलो वर्क पीस है, इसके लिए मैंने ये गेजिंग हेड बनाया था, ये गेजिंग हेड है मेरा, ठीक है। फिर मैंने मेरा अभी जॉब साइज चेंज हो गया, मेरा जॉब कुछ अलग डायमीटर का आ गया, ये पहले अलग डायमीटर था और ये अलग डायमीटर का आ गया जॉब, ये अंदर से हॉलो है यहाँ पे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये गेजिंग हेड का यूज़ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये इसका डायमीटर अलग था ये जॉब का और इसका डिफरेंट है, तो इसके लिए मुझे डिफरेंट एक वापस से एक दूसरा गेजिंग हेड बनाना पड़ेगा। तो इसका ये डिसएडवांटेज है कि अलग अलग जॉब के लिए आपको अलग अलग गेजिंग हेड यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन सेम यहाँ पे क्या है कि कौन सा भी जॉब यूज़ करने के लिए आप एक डायल का यूज़ कर सकते हो। ऐसा ये वीडियो था, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।